नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर गुरदासपुर के बटाला की। लाइफलाइन हंसली पुल का धीमी गति से हो रहे निर्माण से लोग परेशान, दुकानदारों का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित, लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत। शहर के सिटी रोड के हंसली पुल को तोड़े करीब 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुल बनाने के लिए एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। यह पुल इसी साल जनवरी में तोड़ा गया था और सरकार द्वारा इस पुल को सितंबर तक पूरा करने के लिए कहा गया था। इस पुल से शहर का एक भाग दूसरे हिस्से से जुड़ता है। पुल नहीं होने के कारण इस साइड से दूसरी साइड जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा तोड़ा गया पुल अभी तक नहीं बनने से दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। 14 जनवरी को पुल तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था, जिससे उनका व आसपास के दुकानदारों का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। जब पुल का तोड़ा गया तो वहां काफी मजदूर लगाए गए थे, लेकिन पुल बनाने के लिए अब मात्र 4 लोग ही काम कर रहे हैं। पुल के एक साइड से दूसरी साइड जाना हो तो करीब 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इस पुल से रोज करीब 50,000 लोग आते जाते हैं। सिटी रोड के दुकानदारों का कहना है कि यह पुल शहर की लाइफ लाइन है। हंसली नाला शहर को 2 भागों में बांटता है और यह पुल दोनों भागों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। इन 8 महीनों में केवल 2 महीने ही काम चला है, बाकी समय बर्बाद किया गया है। पुल तोड़ने से लोगों को काफी घूमकर आना पड़ता है, जिससे सिटी रोड दुकानदारों का बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शुरू से ही पुल निर्माण का काम धीमी गति से हो रहा है। इतने बड़े निर्माण में केवल 4-5 मजदूर ही काम करते दिखाई देते रहे। सिटी रोड के दुकानदारों SDM को मिलकर शिकायत कर चुके हैं। SDM ने 25 मई तक पुल का निर्माण पूरा कर लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक केवल 40% ही हो पाया है। दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD ने कहा कि पुल का निर्माण 9 महीने में किया जाना था, लेकिन COVID-19 के कारण सभी प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। लेबर और मटेरियल की भारी कमी आ रही है। इसके बावजूद कोशिश रहेगी कि नवंबर तक पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। साल लगभग जो साल के एंड वाले महीने पुल तोड़िया गया, 30 सितंबर की जड़ी 2020 की डेट दी गई थी, 30 सितंबर 2020 तक जरा वा पुल बन के पूरा तैयार हो जाएगा। और एक गल से मैं दसना चाहना कि पुल जरा वा कला पुल का ही नहीं है इतने काम के, एक पुल के ना ही सिर्फ गल है, एक शहर की लाइफ लाइन है, एक वो वाली नाड़ी है जी दिल को जोड़न वाली होंगी है, जिसे टुटन एक इधर पाकिस्तान उधर बार्डर वाला एरिया बन चुका, लोगों के कारोबार प्रभावित हो जाते हैं, लोगों के कारोबार खराब हो जाए और पुल तोड़ के वो अंदर मैं लगता कि सिर्फ 2-3 महीने ही काम चलिया, बाकी कुछ महीने कोई काम नहीं आया। कभी ठेकेदार बदल गए, कभी लेबर बदल गई, कभी कुछ रुक गया। और मैं एक होर गल कहना चाहना कि पुल तोड़िया उन्होंने दूसरिया सड़क भी शुरू कर दी जिहड़ियां मतलब कि शहर नूं आंदा इक रस्ता मेन पूरे बटाले दे अंदर किसे ने आना है ते बटाले दा मेन रस्ता वा उहदे नाल नाल इहनां ने सबाद रोड वाली RR बाबा कल वाली रोड भी तोड़ती, उहदे नाल इहनां ने लीक वाले तलाब वाली लिंक रोड इह भी तोड़ के बनाउणी शुरू करती। क्या इहनां दा अपना सरकार दा जां इत्थों दे जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटर उहनां दा अपना दिमाग नहीं कम करदा कि असीं इक चीज़ नूं शहर नूं जे ते शहर नूं मारन दे तुले दे आं तो फिर एक अलग गल ही बिल्कुल वखरी है। जे आपां ने धार लिया कि शहर के व्यापारी वर्ग नूं मध्य वर्ग नूं खत्म करना फिर तो एक गल ही वखरी है, पर जे तुसीं किसी भी दिमाग नाल सोच नाल लै के इस पुल नूं बनाते चले सी ते पहला तुसीं एक काम करना चाहिए सी, तिन्ने काम नाल सी छेड़ने चाहिए, एक रस्ता जिहड़ा छोटा जिहा पुल उत्थे रह गया और उत्थे मैनूं लगदा किसी नूं गांधी चौंक तों नहरू गेट जाण वास्ते 5 मिंट लगदे आ और 5 मिंट तो घट समय लगता, पर उन्होंने उत्थे जाण वास्ते 2-2.5 घंटे का जिहड़ा समय आ उह सफर तय करना पैंदा और जिहड़े ग्राहक आ उह इत्थे आणा ही नहीं चाहुंदे क्योंकि उह समझदे आ कि असीं इस बाजार च जदों जावांगे साडी गड्डी नहीं पहुंच सकदी, साडा मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकदा, इस करके इस बाजार दे दुकानदार भी काफ़ी जिहड़े आ उह नुकसान हो रहा और बहुत ज़्यादा तंग आए हुए ने। साडी बार बार एक बेनती है कि इहनूं दिन रात कम करके इस पुल नूं जल्द तों जल्द तैयार किया जाए, नहीं करनगे तो इस बाजार के लोग जिहड़े आ इहनां दे खिलाफ संघर्ष करनगे इत्थे धरने ते बैठणगे। इस नाते अभी इस तो पहले इस समस्या बारे SDM साहब भी मिल चुके हैं और टाइम टू टाइम प्रेस वाले ने भी ताडे वांग आ के सहयोग किया और इस पुल का मुद्दा उठाया। जो ये पुल तोड़िया गया ही कोई लोहड़ी तो कुछ दिन पहले पुल तोड़िया गया था, जो ये पहला तो ही एक सीमित रफ्तार देख के किसी वे 3-4 तो ज़्यादा मुलाजम इतने काम नहीं करते रहे और कई दिनों तक लगातार पुल के काम ही बंद रहा। असी SDM सब जो मिलने भी गए तो उन्होंने कहा कि 31 मई तक उन्होंने 5 महीनों के पुल बन के तैयार हो जाएगा और ठेकेदार ने 5 महीनों का टाइम दिता है, इस गल की चिंता ना करो, 31 मई तक पुल बन के तैयार हो जाएगा।
लॉकडाउन हो गया, एक महीना होर वधा लिए लॉकडाउन करके जून अज तीन चार महीने ज्यादा हो चुके हैं। और मैनू नहीं लगता इस स्कूल की हालत वेख के ये होर कोई छे महीने या अठ महीने या साल तक कंप्लीट होगा। मैनू एक गल की समझ नहीं आ रही ठेकेदार प्रशासन का ज इना का की आपस लैन देन है, की लालच है कि प्रशासन उस ठेकेदार को प्रॉपर काम सही टाइम से क्यों नहीं लै रहा। ये साफ तौर पर इन्हों की मिली भुगत नज़र आती है जोड़ा सीधा साफ तौर पर भ्रष्टाचार वाल इशारा करती है। इस पुल के टुटन नाल और लेट होने इस बाजार का लखा करोड़ों का नुकसान हो रहा, महीनों का करोड़ों च जा रहा इन्हें 200-300 दुकानदार है और इस शहर की लाइफ लाइन है। इतों रोज़ हज़ारों की संख्या च लोग लंघते हैं और मेरा ख्याल है 30-40 हज़ार लोग इतों रोज़ क्रॉस करते हैं, कोई शहर जा रहे हैं कोई शहर बाहर जा रहे हैं। शहर के लोगों ने भी अपने कारोबारों इंडस्ट्री इस पुल तो पार जाना होंगे और आना होंगे। इसका सारा प्रैशर अगले छोटे पुल पर पै गया और एक छोटी जी गल भी है जो बिल्लू पलाइया वाले ऐसा दुकाना आदि रवि शीशे वाली पुरानी दुकान और इन्नी तंग गली है और घंटिया का जाम लगता, इस कारण भी इतने दुकानदार कोई गाहक आने तैयार नहीं है। और इस बारे बार बार प्रशासन को अखबारों की प्रेस थानी चताया गया और बाजार वालों प्रैशर है कि इतने धरना दे के जाम किया जाए और एक जवाब मंगया जाए कि कदों तक फिर भी हम लेट होने के बावजूद अगों किस लिमिट तक पुल देने तैयार हो। पर तानाशाही सरकार जिस तरह गुरदासपुर इन्होंने किया दुकानदारों ने लॉकडाउन के खिलाफ सी अपने सोशल डिस्टेंस और मास्क पहन के एक धरना दिता तो लॉकडाउन शनि ऐतवार का ना रखा जाए, उन्होंने खिलाफ इस तानाशाही सरकार ने परचा कर दिता। और इस तरह धमकियां सानू भी मिली वापस जो तुम धरना दिता तो अं ते परचे दायर कर देंगे। ये दबा के इस भ्रष्टाचार को अपनी लेड़ती अपनी नाकामी छुपाना चाहती पई है। मैं एक बार मंग करना इस ठेकेदार के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। मैं DC साहब न ही वो एक बड़े अच्छे इंसान उन्होंने भी मंग करना इस SDM साहब न भी पूछा जाए कि तुम्हें ये की मतलब लैन देन है, की ता लालच है, क्यों तुम इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते करना चाहते। मैं मंग करना ठेकेदार साहब से नलायकी है। और मैं समझना जेडे इसलिए अपने तौर पर सत्ताधारी नेता जरा अपने आप इस शहर के मालिक समझते हैं जेडे बड़िया खबर ला रहे हैं अं सुधार कर रहे हैं अं डिवेलपमेंट कर रहे हैं ये बाहरों आके जरा राज की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने दिमाग से गल नहीं आती कि एक पुल तोड़ दिता शहर की लाइफ लाइन और उसू बना तो पहला असी समाध रोड की सड़क तोड़ दी, असी कृष्णा नगर में भी रस्ता बंद कर दिता, असी समाध रोड वाला भी रस्ता बंद कर दिता। इस करके बिना सोचे समझो मेरा समझ का ख्याल है कि एक की अगर तो दौड़ तो पिछा चौड़ पहला काम किया नहीं, दूसरे खोल करके ये शहर में परेशानी पाया दा जोड़े विकास के दावे करते हैं। मैं समझना शहर में परेशानी पाने लुट्टों के अलावा कोई काम नहीं कर रहे।